हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑटो गर्ल। माय नेम इज़ नवनीत एंड आज हमारे पास है टोयोटा की तरफ से सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एसयूवी व्हिच इज़ अर्बन क्रूजर हाइड राइडर। आज इसका अनवील है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखने में कार, काफ़ी इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके अगर फीचर्स वगैरह में भी आगे बात करेंगे क्या क्या फ़ीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से। यहाँ पे आपको जो ग्रिल है यहाँ पे टोयोटा की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। क्रोम की फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। ये इसकी एक्सेसरी का ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। लाइट सेटअप की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपको इंडिकेटर एंड DRLs यहाँ पे LED ऑफर किए गए हैं जो देखने में काफ़ी स्लीक एंड एलिगेंट लग रहे हैं। हेडलैम्प्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं और क्रोम की फिनिशिंग भी आप देख सकते हो। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये गाड़ी की आँखें लग रही हैं, काफ़ी अग्रेसिव एंड बोल्ड आपको देखने में लगेंगी। नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे हेक्सागन आपको यहाँ पे एयर डैम मिलेगा, यहाँ पे एयर डैम ऑफर किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 360 डिग्री कैमरा भी इस कार में ऑफर किया गया है। यहाँ पे 360 कैमरा भी आपको मिल जाता है विद अमेजिंग क्वालिटी। यहाँ पे आपको स्किल्ट प्लेट भी ऑफर की गई सिल्वर कलर की। इफ वी टॉक अबाउट इट इंजन, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का के सीरीज़ का इंजन ऑफर किया जाता है विद THS टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम के साथ एंड ई ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ। जिसमें आपको जो इंजन है उसमें आपको आउटपुट मिलती है 91 HP एंड 122 Nm टॉर्क एंड मोटर के साथ आपको 79 HP की आउटपुट एंड टॉर्क की बात करें तो 141 Nm टॉर्क। और इंजन एंड मोटर कंबाइन आपको पावर देते हैं 135 HP। तो ये एक सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक SUV है। इसमें आपको सेल्फ चार्जिंग मिलेगी, आपको अलग से कुछ चार्ज नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। सबसे पहले आप देखिए इसकी जो लेंथ, काफ़ी बड़ी लेंथ है इसकी। ये कम्पीट करने वाली है क्रेटा, सेल्टोस को, शार्क को। और अब इसके अगर मैं बात करूँ इसके अलॉय व्हील्स की, यहाँ पे आपको 17 इंचेस के अपोलो की तरफ से डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं। सामने की तरफ फ्रंट व्हील्स पे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है और यहाँ पे व्हील आर्क भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैजिंग अंडर ORVM और ब्लैक डाउट यहाँ पे प्लानो ब्लैक फिनिशिंग के आपको और भी ऑफर किए गए हैं एंड इंटीग्रेटेड DRLs भी आपको दिया गया है। और नीचे की तरफ आप यहाँ पे लेफ्ट कैमरा देख सकते हो। अब बढ़ते हैं यहाँ पे को ड्राइवर एंड ड्राइवर दोनों पे ही आपको रिक्वायर्ड सेंसर ऑफर किया गया है। डोर हैंडल की बात करो, आपको कलर्ड बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स ऑफर किए गए हैं। विंडो साइड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको क्रोम की यहाँ पे नीचे लाइनिंग दी गई है। ज़्यादातर क्रोम नहीं करा गया बट जो काफ़ी डिसेंट यहाँ पे लग रहा है। रूफ रेल्स यहाँ पे आपको नहीं, फंक्शनल रूफ रेल्स यहाँ पे नहीं ऑफ किए जाते। पीछे की तरफ अगर बनते हैं तो रियर पे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो क्वार्टर विंडो उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, जिससे काफ़ी गाड़ी की लेंथ काफ़ी बड़ी लगती है, काफ़ी वाइड बड़ी लगती है। अब हम आगे इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ। जैसे इसका फ्रंट है ना अग्रेसिव, वैसे इसकी रियर प्रोफाइल भी आपको काफ़ी बोल्ड और अग्रेसिव देखने को लगेगी। यहाँ पे आपको फीचर वाइज डीफॉगर्स, वाइपर, वॉशर, हाई स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना एंड रियर पार्किंग कैमरा, 360 कैमरा भी आपको ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग, टोयोटा की यहाँ पे बैजिंग, टोयोटा का लोगो एंड यहाँ पे बड़े ही सुंदर यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प से ऑफर की जाएंगे, जिसकी स्प्लिट टेल लैम्प ऑफर की जाएंगी। यहाँ पे आपको इंडिकेटर ब्रेक यहाँ पे और लेफ्ट साइड पे आपको अर्बन क्रूजर हाई राइडर का यहाँ पे बैजिंग एंड राइट साइड पे आपको हाइब्रिड का बैजिंग देखने को मिलेगी, जो क्योंकि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी स्मार्ट चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक SUV जो है। और नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे आपको 4 रियर पार्किंग सेंसर भी ऑफर किए गए हैं। स्किड प्लेट की आपको सिल्वर मिल जाती है जो देखने में काफ़ी स्पोर्टी यहाँ पे लग रही है। अब मैं बैठ गई इसके अंदर। इसमें अंदर इंटीरियर में आपको बहुत सारे फीचर आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड दिखाना चाहती हूँ, ड्यूल टोन डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको लेदर का मटेरियल मिलेगा, कुछ लेदर की कुशनिंग पैडिंग भी ऑफर की जाएगी एंड डैशबोर्ड यहाँ आपको हार्ड प्लास्टिक ऑफर किया जाएगा। अब मैं आ गई हूँ उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। बहुत सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ इसकी अपोस्ट्री की। आपको यहाँ के ड्यूल टोन अपोस्ट्री ऑफर की जाएगी, डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन की। यहाँ पे आपको लेदर की यहाँ पे अपोस्ट्री ऑफर की जाएगी। डैशबोर्ड आप भी ड्यूल टोन मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सिल्वर की लाइनिंग, हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे डैशबोर्ड और यहाँ पे आपको ब्राउन कलर की यहाँ पे थोड़ी पैडिंग आपको ऑफर की जाएगी। लेदर मटीरियल का यूज किया गया है। ग्लव बॉक्स की बात करो, सिंपल आपको ग्लव बॉक्स और यहाँ पे ऑफर किया गया है, कूलिंग बॉक्स नहीं, ये चीज ध्यान रख ले। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है जो देखने में
कूल नहीं लग रहा, बस ठीक एलिगेंट मतलब लग रहा है, आप कह सकते हो। क्रूज कंट्रोल इसमें आपको ऑफर किया गया है, यहाँ पे स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, वॉइस कमांड के, कॉलिंग एक्सेप्ट डिक्लाइन के आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। Now let's talk about this instrument cluster. यहाँ पे आपको 7 inches की instrument cluster offer किया गया है, fully digital आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको 9 inches की floating touch screen offer की गई है with eye connect features के साथ, यानी कि car connected technology के साथ इसमें आपको 55 plus यहाँ पे features offer किए जाएंगे। यहाँ पे आपको AC vents नीचे, आपको automatic AC या नीचे traction control का भी यहाँ पे control offer किया गया है, 12 volt का socket और यहाँ पे USB type port आपको आगे मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग भी इस गाड़ी में आपको ऑफर की गई है। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट भी काफी वाइड मिल जाती है, एंड विद स्टोरेज स्पेस के साथ काफी अच्छी खासी आपको स्टोरेज भी ऑफर की गई है। इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का कुछ इस तरह का कूल यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग की, क्रोम की फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बटन मिल जाता है। HUD यहाँ पे आपको ऑफर की गई, जिसके कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और 360 डिग्री कैमरा भी आपको इसमें ऑफर किया गया है विद अ गुड क्वालिटी। एंड अगर मैं बात करूँ डोर साइड स्पेस की बात, तो यहाँ पे आपको एक बोतल जो कि 1 liter समथिंग की यहाँ पे बोतल रखी जाएगी, बड़ी बोतल्स नहीं रखी जाएगी, छोटे मोटे चीज़ें आप टिश्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे डोर साइड कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक ORVM यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ऑल विंडो कंट्रोल्स का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, एंड ड्यूल टोन भी आपको डोर साइड पे ऑफर किया गया, जिसमें आपको यहाँ पे कुशनिंग आपको मिल जाएगी इस तरह। अब मैं बैठी हूँ इसकी रियर सीट पे, कंफर्ट पे जगह पे बात करूँ, जिसका अंडर थाई सपोर्ट है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है, हेड रूम यहाँ पे भी मेरे को डिसेंट मिल जाता है। मेरी हाइट 5'4" है, तो आप देख सकते हो हेड रूम मेरे को डिसेंट सफिशिएंट मिल जाता है। यहाँ पे शोल्डर रूम अगर 2 person बैठ रहे हैं उनके लिए कंफर्टेबल, आराम से वो ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल 3 person भी एडजस्ट करके बैठ सकते हैं। बट जो सेंटर वाला पर्सन है उसके लिए अंडर थाई सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है जो कि दूसरे 2 passenger के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो टनल है वो भी थोड़ी सी ऊपर को है, तो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट में प्रॉब्लम आ सकती है फॉर सेंटर पर्सन। अगर मैं फीचर्स की यहाँ पे बात करूँ, रियर AC वेंट्स इसके कंट्रोल्स पीछे दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको USB टाइप एंड C टाइप पोर्ट यहाँ पे ऑफर किया गया है, और नीचे एक फ़ोन होल्डर भी आपको मिल जाता है। और स्टोरेज स्पेस की बात करूँ, और दोनों को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड पर आपको पॉकेट ऑफर की गई है, और आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर वाले पैसेंजर के लिए भी आपको हेडरेस्ट मिलता है, और दोनों साइड में 3 टोटल आपको मिल जाते हैं, तीनों आराम से यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। और सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी खासी वाइड आर्मरेस्ट मिल जाती है विद 2 cup holders। अब मैंने आपको फीचर्स तो कई सारे गिना दिए, बट सेफ्टी फीचर्स तो मैंने बताए नहीं। यहाँ पे आपको सेफ्टी में भी बहुत सारे भरपूर सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 6 airbags, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑल 4 disc brakes भी ऑफर किए जाएंगे, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ABS विद EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा, तो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। अब ये थी मेरी तरफ से वीडियो ऑन दिस अमेजिंग कार अर्बन क्रूजर हाई राइडर पे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लो ना इस ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।